राजस्थान की मुख्यमंत्री की भाजपा लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के पक्ष में एक सभा और रोड शो का आयोजन हुआ। खेरतल में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय भाजपा लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव, बाबा बालकनाथ, संजय शर्मा, जसवंत यादव, राम हेत यादव, डॉक्टर करण सिंह यादव, अशोक गुप्ता कार्यक्रम में साथ रहे। आप अगर देखेंगे एक एक बार हमने पूरा किया है, क्या हमने पेपर लीक में क्या उन्होंने किसानों के उन युवाओं को जो उनके सपने थे उन सपनों को तोड़ने का काम इन कांग्रेस के लोगों ने किया है। मैं कहना चाहता हूं उनसे, ये सोची तो पहले भी थी, क्या हो गया गहलोत साहब जरा बताइए आप भी, क्योंकि आपने पूरे एक साल तो होटल में बताया था, आपकी मजबूरी थी, आपने अपने जो विधायक थे उनको छूट देनी थी। जिस तरह से मित्रों में कहना चाह रहा हूं, भ्रष्टाचार का आलम राजस्थान के अंदर पिछले 5 सालों में था, कभी नहीं रहा जितना भ्रष्टाचार इस कांग्रेस की सरकार ने किया। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। हमेशा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आधार पर, तुष्टिकरण के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करने का काम किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं मेरे भाई और बहनों कि हमने जो वादा आपके बीच में किया, क्या मैं उतना गैस का सिलेंडर हमने 450 रुपए में 73 लाख महिलाओं को देने का काम राजस्थान में हमने 1 जनवरी से किया है। यही नहीं, आपने देखा होगा हमने कहा था किसान की सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे, 6,000 रुपए हमारे देश के सोची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, पहली कैबिनेट में 2,000 रुपए बढ़ा करके 8,000 रुपए करने का काम हमने किया, 8,000 रुपए का। मैं आपसे यही कहना चाहता, आप हमारे 90 दिन के काम को देखेंगे तो मैं कहना चाहता हूं अब आपके लिए कर लीजिए, पिछली सरकारों के भी काम देख लीजिए, इनके भी देख लीजिए कि 90 दिन के अंदर अपने घोषणा पत्र का 45% किसी ने काम किया, क्योंकि हमारे मन में कोई किसी तरह का भाव नहीं है। हम जनता के बीच में जाते हैं, हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है, हमारे कार्यकर्ता पर भरोसा जनता करती है और हमारा जो भी जनप्रतिनिधि कहता है उसकी बात को भी अमल में लाते हैं। आपके बीच में जाकर के हमारा जनप्रतिनिधि कहता है अगर सारे जने काम है कि मैं इसको कराऊंगा तो आप विश्वास मान लीजिए, चाहे हमारा पदाधिकारी हो चाहे हमारे मंच पर विराजमान जनप्रतिनिधि हो, आपके बीच में जो वायदा करके आएंगे हमारी सरकार उन वायदों को पूरा करेगी, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। अंत में मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको पता तो है लेकिन मैं बता देना चाहता हूं आपको, मैंने माननीय भूपेंद्र जी के साथ मेरे को मौका मिला है पूरे देश में काम करने का। भूपेंद्र जी पूरे देश में, अभी भी उड़ीसा में तुरंत यहां से चुनाव हो गया, उड़ीसा में ड्यूटी लगी है, वहां भी जाएंगे। मैंने अभी कहा था, निवेदन किया था कि यहां के बाद राजस्थान में चेती चंदन आप आपको भी दीजिए, क्योंकि जिस तरह से इनका विजन है और जिस तरह से काम का तरीका है, अलवर वालों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं आप सौभाग्यशाली हैं, राजस्थान की सरकार तो करेगी लेकिन भूपेंद्र जी का इस खैरतल के लिए, अलवर जिले के लिए बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ रहेगा। आप निश्चित मानिए आपसे जो हमने वादा किया है और इस खैरतल को तो मजबूत बनाना है, मजबूत बनाना, क्योंकि हमने इसमें भाग है, हम खैरतल में काम करेंगे। हमारे दिल्ली से सबसे नजदीक है, गुड़गांव से सबसे नजदीक है, नोएडा से सबसे नजदीक है। और आपको बताएं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो अपना फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, उनको शांति चाहिए। हमने भी कह दिया है कि जो लोग चाहे खनन माफिया हो चाहे भू माफिया हो चाहे गैंग मिस्टर हो, वो राजस्थान के अंदर आते थे किसी व्यापारी को धमका के चले जाते थे। हमने 15 दिसंबर को हमारी
शपथ ली और 16 दिसंबर को एंटी गैंगस्टर फोर्स का भी हमने निर्माण किया। हमने कहा है कोई गुंडा अगर राजस्थान में आएगा, कोई गैंगस्टर राजस्थान में आएगा, तो हमने भी कहा है अगर राजस्थान में आएगा तो राजस्थान से वापस नहीं जाएगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप संत में यही कहना चाहता हूं कि आप 19 तारीख को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय भूपेंद्र यादव जी को एक खिलता हुआ कमल का फूल, अलवर लोकसभा का एक बड़ा खिला हुआ फूल, ज्यादा ज्यादा वोटों से जीता हुआ फूल, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम 25 फूल सौंपने का काम करें, जिसमें एक खिला हुआ फूल अलवर का भी हो। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है राजस्थान से 14 में भी 25 सीट आई थी, 19 में भी 25 सीट आई थी, अब की बार भी 25 सीट आएंगे। लेकिन जैसा कि माननीय भूपेंद्र जी ने कहा कि अब की बार 370 प्लस करके बूथ में जुड़ेंगे, 370 करके प्लस बूथ में जुड़ेंगे, जिससे कि एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिस पर कमल का फूल नहीं खिले और हमारी लोकसभा 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। ये हमें पूरा प्रयास करना है। मित्रों, आपके पास 2 दिन है, आज अंतिम दिन है प्रचार का। कल आप पूरी तरह से घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। ऐसे जो लोग होंगे, आपके फोन में भी नंबर है, ऐसे जो लोग हैं जो वोट डालने के चक्कर में कहीं इधर उधर जाते हैं, उनको भी समझाना है, एक एक परिवार में फोन भी करना है। आपको जाकर के सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हर घर के हर परिवार के वोट डालने चाहिए। डरेंगे ना, डरेंगे ना, तो हाथ खड़ा करिए ऊपर और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा क्षेत्र का दूसरा जिला है पटना, खैरतल में ये चुनावी विजय के लिए संदेश देने जाना है, तो यहाँ पर भी संदेश देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे। और यह हम सबका सौभाग्य है कि अपने मुख्यमंत्री बनने के कार्यकाल में राजस्थान में जो सबसे जरूरी चीज है, और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने 1 महीने के अलवर के अपने पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान ये पाया कि आपने जो ईआरसीपी का समझौता किया है वो राजस्थान में आपकी भागीरथ की भूमिका को बनाने वाला है। भरतपुर में जन्म लेकर, एक किसान परिवार में जन्म लेकर एक व्यक्ति अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के माध्यम से कितनी जमीन की नब्ज को जमा जान सकता है, ये ईआरसीपी के आपके समझौते से ध्यान में आता है। और केवल ईआरसीपी का समझौता नहीं किया, आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के साथ यमुना नदी का और दक्षिण राजस्थान में बनास का भी कार्य किया है। और मैंने पूरी अलवर की जनता से ये वादा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो हमने कहा है कि जल जीवन मिशन को हम अलवर के, अलवर लोकसभा क्षेत्र के हर घर तक लेके जाएंगे और ईआरसीपी और यमुना के पानी से अपनी धरती के डाल जोन को दूर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में राजस्थान में 1,60,000 करोड़ रुपए का ये जो वैकल्पिक ऊर्जा का जो आज समझौता किया है, वास्तव में पार्टी के घोषणा पत्र में भी प्रधानमंत्री जी ने जो सूर्योदय की योजना हमारे घोषणा पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से आई है, वो सब घरों में
300 यूनिट फ्री बिजली देगी, मेरे देश का क्रांतिकारी कदम है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में, माननीय प्रधानमंत्री के विजन में पेपर लीक घोटाले के ऊपर जो कानून है उसको सख्ती से लागू करने की बात करी है, और राजस्थान में कांग्रेस ने जो पेपर लीक का पाप किया था उस पर सख्त कार्रवाई हुई है, जिसकी लोगों में बहुत प्रशंसा का भाव है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान देख रहा हूँ, इस बार तो ये चुनाव पूरा हो रहा है, ये चुनाव कोई किसी को बदलने के लिए नहीं हो रहा है, ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रो गवर्नेंस नीतियों के कारण हो रहा है, प्रो गवर्नेंस नीति के कारण। और इसलिए गांव में जब हम जाते हैं कुछ कहते हैं तो सबसे पहले बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं कि चिंता मत करो, आएगा तो मोदी ही। हमारी माताएं बहने मुख्यमंत्री जी मैं रामे जी जा रहे थे, दो बुजुर्ग महिलाएं खड़ी थी, उन्होंने तुरंत हमारी गाड़ी रोकी और कहा कि गांव की यह समस्या है। हमने कहा करेंगे, बोले कर लेना पर चिंता मत करो, वोट फूल छाप पे ही है और आएंगे तो मोदी जी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री आज यशस्वी तरीके से पूरे देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आज भारत जो विश्व का नेतृत्व कर रहा है, आज भारत जो दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बना है, आज भारत जो क्लाइमेट एक्शन का प्रतिनिधि बना है, आज भारत जो दुनिया के विकासशील देशों का नेता बना है, आज भारत जो दुनिया को एक नई राह योग के माध्यम से दिखा रहा है, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। और इसे जिस मोदी गारंटी पे हम लोग वोट मांग कर आए हैं, वो गारंटी गवर्नेंस की है, वो गारंटी गरीब कल्याण की है, वो गारंटी सबका साथ सबका विकास की है, वो गारंटी भारत को गौरवशाली बना करके और दुनिया का सबसे विकसित देश 2047 में बनाने की। माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे बड़ा सौभाग्य का दिन आज इस देश का हो नहीं सकता कि 500 साल से हम रामनवमी मना रहे थे, 500 साल से हम नवरात्र कर रहे थे, 500 साल से हम लोग रामलीला कर रहे थे, रामायण का पाठ कर रहे थे, लेकिन ये सब करते हुए भी हमारे दिल में एक टीस रहती थी कि राम लला को अपना पर्याप्त सम्मानजनक गौरवपूर्ण स्थान नहीं है। आज देश की वो पहली रामनवमी है जब राम लला अपनी भव्य प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या में विराजमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव एक विकसित भारत की यात्रा का चुनाव है। ये चुनाव देश के और हमारी बहनों महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देश में काम करती है उनके आर्थिक स्वावलंबन का चुनाव है। ये चुनाव भारत के गांव के गौरव का चुनाव है। ये चुनाव भारत के युवाओं के सपनों के भारत का चुनाव है। और इसलिए हमने अपनी लोकसभा में भी ये तय किया है, विजय तो हम प्राप्त कर ही रहे हैं क्योंकि विजय तो मोदी जी की गारंटी की है, पर हम हर बूथ पे 370 वोट को जोड़ करके विजय को प्रधानमंत्री जी के सम्मान के लिए 400 सीट वाली बनाना चाहते हैं। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस वालों ने अलवर में बहुत झूठ बोले, हमने किसी एक का जवाब नहीं दिया। बाबा भर्तृहरिनाथ की धरती है, उनका जो रोड शो हुआ रथी बीच में समाप्त हो गया, ये संकेत समझ लेना कांग्रेस का रथ अलवर में नहीं चला है, सिंह द्वार से आवाज ये नरेंद्र मोदी जी की आई। और इसलिए कांग्रेस के सारे झूठ खत्म हो रहे हैं, कांग्रेस का हर झूठ नेस्तनाबूद हो रहा है। देश की जनता आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत को बनाने के लिए आगे उमड़ रही है। और मैं अंत में ये कहना चाहूंगा और मैंने कहा भी है कि मेरे अलवर लोकसभा क्षेत्र में 2.25 जिले हैं, लेकिन 2 जिलों के हेडक्वार्टर हैं। एक सांसद के रूप में मेरा एक अलवर जिला हेडक्वार्टर है और एक खैरतल जिला हेडक्वार्टर है। आपके सांसद का कारण है दोनों जिला हेडक्वार्टर पे होगा, क्योंकि दोनों का समान विकास करना ये आपके सांसद का दायित्व होगा।
और कैंसर वालों को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, उनके साथ यहाँ रेलगाड़ी रुकवा कर ही बैठ करके जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस विजन पे माने मुख्यमंत्री जी बिजली पानी संकल्प पत्र और सुरक्षा पे हम आप चले हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र लिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो काम पानी पे आपने उठाए हैं, हम निश्चित रूप से पानी के डार्क जोन के विषय पे आपके साथ केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलवर की धरती को हरा भरा बनाने का पूरा काम करेंगे, घर घर पानी पहुंचाएंगे, और विकसित गारंटी की मोदी जी की गारंटी से अलवर और खैरतल और हमारे बहरोड को भी विकसित बनाएंगे। जय हिंद जय भारत। दोस्तों और माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आपने देखा होगा आज मैं अभी पहले जयपुर में था, फिर सरदार शहर में, आज राम जी की शोभा यात्रा निकल रही थी। कितना आनंद आ रहा था, कितना उत्साह था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज बहुत क्षण देखने के लिए आप हम सभी हैं, क्योंकि 500 साल का वो कलंक हम रामनवमी तो मनाते थे, लेकिन जब अयोध्या की तरफ देखते थे हमारे राम लला टेंट में विराजमान थे, टेंट में विराजमान थे, तो मन में ये बात आती थी कि हमारे रामलला उस दिव्य और भव्य मंदिर में कब राजेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती थी, कहती थी रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, विपक्ष के लोग उस पर टिप्पणी करते थे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोगों से, अरे हमने मंदिर भी प्रभु बनाया, शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया, डेट भी देर महीने दो महीने पहले आपको बता दी, आपको निमंत्रण भी दिया, और एक दिव्य और भव्य मंदिर में 22 जनवरी को रामलला के प्राणों की प्रतिष्ठा भी होगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, जिन्होंने राम जी को काल्पनिक बताया था, जिन्होंने राम जी का मजाक उड़ाया था, जिन्होंने राम जी का निमंत्रण स्वीकार किया था, आप देख रहे हो कांग्रेस के लोगों में से राम ही निकल गया, राम ही निकल गया। हम देखते हैं गांव में कोई बुजुर्ग होते हैं, या पहले तो जब हम बैलों से खेती होती थी तो बैल काम नहीं करता था तो कहते थे इसका तो राम निकल गया इसमें से, तो ऐसे कांग्रेसियों में से राम निकल गया। अगर उसको टिकट दे रहे तो वो कह रहा है कि मैं तो जा नहीं रहा था, मेरे को क्यों दे दिया। दूसरे को कह रहे तो वो भी ये कह रहा है कि मेरे को टिकट क्यों दे दिया। अगर जिसको ले रहा था साहब मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, मेरे को तो वैसे ही लड़ा दिया। अगर किसी से कह रहे हो कि ये लड़ना चाहता कि मैं भी लड़ना नहीं चाहता हूँ। एक तो यहाँ तक है कि फौरन मर दिया, कांग्रेस वाले कह रहे हैं किसको वापस लो, वो गायब ही हो गया, वो 3 दिन तक उनको मिला ही नहीं, और आज आपने विज्ञापन उनका देखा होगा, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत दो, और वो उसका विज्ञापन लगा करके वोट मांग रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने राम जी की परवाह नहीं की, तो राम जी ने कहा कि मैं भी तुमको छोड़ के जा रहा हूं, राम जी भी उनको छोड़ करके चले गए। मित्रों, आज रामनवमी, आज के दिन हमारे हर परिवार में कई कन्याओं का भोजन होता है, कई हमारा राम जी का अभिषेक होता है, हमारी शोभा यात्राएं निकलती है, क्योंकि हमारे राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, रोम रोम में बसते हैं। राम हमारे राष्ट्र के प्राण है, राम हमारे आस्था के
केंद्र है, और ये राम जी को नहीं मानते हैं तो ये तो होने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा ये कांग्रेस पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक थी। अब दो साल पहले कोई क्षेत्रीय दल या कोई पार्टी बन के आ गई, वो अगर सब सीटों पर भी आ जाते कोई समझौता करने के लिए तो कांग्रेस वाले ये भी कहते थे उन पर भी समझौता कर लेते। आपने देखा बाप दो साल पहले आई उससे भी समझौता कर लिया, तीसरे से भी समझौता कर लिया। सीपीएम का कहीं कोई राजस्थान में कोई नहीं, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने बोला हम हार से बचेंगे, कम से कम ये तो कह देंगे हम नहीं आ रहे ये आ रहे हैं। हार से बचने के लिए कांग्रेस की क्या स्थिति हो रही है आप देख रहे हैं। मित्रों, मैं दूसरा आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये खैरदार जिला है हमारा, और इस जिले को हम, क्योंकि ये हमारा दिल्ली गुड़गांव और तो सबसे नजदीक का जिला कौन सा है, सबसे नजदीक का जिला कौन सा है, सबसे नजदीक का जिला कौन सा है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, अरे उधर की हवा आएगी कि नहीं आएगी, इधर राजस्थान की आएगी कि नहीं आएगी, राजधानी से इधर दिल्ली से आएगी कि नहीं आएगी, तो ये हवा कहां आएगी, कैसा आएगी ना, तो विश्वास करिए हमारा खैरदल गुड़गांव की तर्ज पर विकास करेगा, गुड़गांव की तर्ज पर विकास करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन आपने देखा है कि मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों ने अपना विश्वास खो दिया, राजनेताओं ने विश्वास खो दिया, लेकिन आपने 2014 के बाद देखा होगा, 2014 का हमारा संकल्प पत्र था उसको पूरा करने का काम देशी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और 2019 का संकल्प था तो उसको भी पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब आपने देखा होगा 2024 का भी संकल्प पत्र है, हम भी 4 महीने पहले राजस्थान में भी संकल्प पत्र आपके बीच में लेकर के आए थे। आपने उन पार्टियों को भी देखा है जिन्होंने सिर्फ घोषणा पत्र लाते थे और चुनाव के बाद उसको खोल के नहीं देखते थे कि जनता के बीच में हमने क्या वायदा किया। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमने जो आपके बीच में जो संकल्प पत्र को लेकर के आए हैं, हमने वो संकल्प पत्र 3 महीने में 40 से 45% पूरा करने का काम किया है। 40% इस कांग्रेस ने ईआरसीपी की योजनाओं को लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का काम किया। मैं अगर आपको विधानसभा के अगर फैक्ट में बताना चाहूंगा, आपको एक भी विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं जिसमें ईआरसीपी की जिक्र नहीं की हो, एक भी उनका ऐसा बजट नहीं जिसमें ईआरसीपी की जिक्र नहीं की हो, लेकिन जिक्र की थी कभी इन्होंने कांग्रेस के लोगों ने ईआरसीपी की फिक्र नहीं की। मित्रों, कभी फिक्र करने का काम नहीं किया। और आपने देखा हमने 1.5 महीने बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा मध्य प्रदेश से समझौता करा करके ईआरसीपी में जो बाधा थी उस बाधा को भी हटाने का काम किया, और उसका समझौता करने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, राजस्थान के बीच में समझौता करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं, अगर आप देखते हो तो हमने ईआरसीपी का काम भी प्रारंभ कर दिया है। हमारे इंजीनियर लग रहे हैं, जमीन आबादी का काम प्रारंभ हमने कर दिया। क्यों बार मीटिंग लिए खैरदल वालों की आवाज को क्या हुआ है, बोले भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज अलवर लोकसभा के खैरदल
आज की ये हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भूपेंद्र जी यादव साहब की इस चुनावी सभा में मैं सबसे पहले तो आप सभी अलवर और खैरदर वालों को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपके यहां भूपेंद्र यादव जी प्रत्याशी और चुनाव लड़ने के लिए आए, क्योंकि आपको किसी तरह की कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए। आपको कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह पूरी तरह से उस पर माननीय केंद्र में भूपेंद्र जी आपने देखा है पहले किस तरह से किस उसमें रहे और आगे और भी ज्यादा रहने वाले। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय भूपेंद्र जी का स्वागत और अभिनंदन करिए। हमारे बीच में हमारे राज्य सरकार के मेरे कैबिनेट के साथी भाई सुरेश यादव जी जो यहाँ के प्रभारी भी है, भाई हमारे सांसद उत्तर प्रदेश भाई जगदम्बिका पाल सिंह जी जो आए निश्चित रूप से राजस्थान में, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भाई राव नरवीर सिंह जी पूर्व मंत्री हरियाणा वो भी है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। भाई हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेत आदित्य जी मेरे साथ आए, भाई रामवेद यादव जी आप जानते ही उनको, रामवेद यादव जी को खैर दल की कितनी चिंता रहती है आप सभी को पता है, जब भी मेरे से मिलते हैं तो उनको सिर्फ खैर दल ही खैर दल, मैं कभी कहता हूँ उनसे भाई और भी कहीं की समस्या नहीं, मेरी तो खैर दल की समस्या है। ऐसे भाई रामवेद यादव जी, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर जी, हमारे अलवर जिले के प्रभारी लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, लोकसभा के संयोजक संजय नरुका जी, जिला अध्यक्ष भाई उमेश माया जी, जिला अध्यक्ष दक्षिण अशोक गुप्ता जी, हरीश रोगा जी सभापति, अशोक टाटा जी पूर्व सभापति, प्रवीण जसौरिया जी मंडल अध्यक्ष, कालमणि सतीश सिंगल चेयरमैन, राजेश भटवाड़ा जी जिला उपाध्यक्ष, सुरेश जी जाकर पूर्व उपाध्यक्ष और खैर दल के गांव गांव डाणी डाणी से आए मेरे सामने